नमस्कार, मैं हूं अन्नू और आप देख रहे हैं झलको गोपालगंज। तो आइए रुक करते हैं गोपालगंज की कुछ खास खबरों की ओर। गोपालगंज में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गोपालगंज के सभी नदियों के पास में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने स्नान ध्यान कर दक्षिणा भी दिया। इसी बीच डुमरिया घाट पर सभी बड़े घाटों पर प्रशासन की पूरी निगरानी बनी रही। घाट पर भीड़ को देखते हुए गोताखोरों की 3 टीमों को तैनात भी किया गया था। कोरोना काल के चलते इस बार मेले का आयोजन बिल्कुल सामान्य तरीके से हुआ है। इस वर्ष मेले में पूर्व वर्ष के स्वरूप बहुत ही कम भीड़ देखने को मिली। गंडक नदी के पास इस बार दाह व स्नान के लिए दोपहर बाद तक भीड़ का जमावड़ा लगा रहा। गोपालगंज जिले के जादोपुर थाना के जादोपुर बाजार में आपसी विवाद में दो पक्षों के बीच में शुक्रवार को बहुत ही ज्यादा मार हुई। मारपीट के दौरान दो पक्षों में घायल 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस की सहायता से घायलों को सदर हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर जाँच में जुटी हुई है। गोपालगंज जिले के उचका गांव में दो पक्षों में संपत्ति विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। कुछ लोगों ने मिलकर एक ही परिवार के सदस्यों को लाठी डंडे से मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक देखकर चिकित्सकों ने सदर अस्पताल में रेफर कर दिया है। बताया जाता है कि दहीभत्ता गांव निवासी विजय मौल महतो को उनके पड़ोसी से संपत्ति विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई थी। 11,000 दीपों से जगमग हुआ मां का दरबार। ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर थावे मंदिर को 11,000 दीपों से जलाया गया। थावे दुर्गा मंदिर में 2011 से दीपावली मनाया जाता है। गोपालगंज शहर अब अपने नए रूप में दिखेगा। नए साल में गोपालगंज सभी चौक चौराहों का दोबारा से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। शहर के गोलम्बल को पार्क में तब्दील किया जाएगा, साथ ही सड़क पर डिवाइडर भी बनाए जाएंगे। इसको लेकर सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने शुक्रवार को अपने आवास पर निर्माण विभाग के कार्यपाल अभियंता सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ये थी गोपालगंज की कुछ खास खबरें। ताज़ा और नई गोपालगंज की खबरों से जुड़े रहने के लिए झलको गोपालगंज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।